11 तारीख मुझे नहीं पता था कि 11 तारीख में कई ऐतिहासिक घटना घटा है झारखंड के संदर्भ। 11वीं तारीख 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ। पिछले साल 11 नवंबर को ही सरना धर्म कोड सदन ने पारित किया और आज 11 नवंबर 2022 को इस सदन ने 1932 और OBC आरक्षण राज्य की जनता को देने का निर्णय लिया। OBC ये सब विषय इस राज्य का आत्मा रहा है। आदरणीय गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा राज बना। आज की बात है, राज बनने के बाद इस राज का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने राज के OBC समूह को मिलने वाला 27% का आरक्षण को भी खत्म किया। मैडम नीचे कर दिया है, नीचे कर लीजिए ना, बराबर पे क्या ना। स्थानीय नौजवानों के भविष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से खिलवाड़ हुआ। मैडम आप हिलिए मत। और विगत 20 सालों में इस राज के जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी के ऊपर। और आपने देखा कि आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुल राज्य में समस्याओं का जो और इस प्रताड़ना का जो दर्द था उस दर्द का विगत 20 वर्षों में क्या आलम रहा है। पूर्व में मंत्री मुख्यमंत्रियों का घेराव अपने हक अधिकार के लिए लोग करते थे और आज ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री का घेराव फूल माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव गांव जाके देखें। एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष गुहरा लाभ रहे हैं और अपने हाथ पकड़ कर नीचे कर देंगे। आगे नीचे रखो थोड़ा सा, षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार
प्रयासरत है। आज का ये निर्णय राज्य के राजनीतिक दलों के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी बाहर से भी आए हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। हर राज्य में राज्यवासियों को अधिकार देने के नियम कानून बनाए जाते हैं और प्रवासी लोगों को भी जो दूसरे राज्यों से यहां आकर बसते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। आज सरकार विशुद्ध रूप से लगभग साल भर ही ठीक से काम कर पाई है। दो साल कोरोना को हम लोगों ने झेला, अभी काम कर ही रहे थे, सुखाड़ की स्थिति राज्य पे आ गई। ऐसे स्थिति में सारी चुनौतियों को झेलते हुए ये सरकार जन कल्याण, चहुमुखी विकास पर निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार, हमारे गठबंधन कांग्रेस आरजेडी जेएमएम के लोग ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के हर चुनौतियों का सामना किया है। एम के एम प्रकार सरकार बनने के बाद सरकार गिराने का, विधायकों को दिग्भ्रमित करने का, खरीद फरोख्त करने का, सरकारी एजेंसियों के द्वारा डरा धमकाने का प्रयास निरंतर जारी है। लाख कुछ वो कर ले, सरकार की कदमें ना रुकी है ना रुकेगी और जनहित में कार्य करते रहेगी। देखिए, लगभग राज्य के ज्वलंत विषय पर वर्तमान सरकार ने लगभग सारे निर्णय लिए और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कवच देने का हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये केंद्र सरकार को इसका पूरा इस पर आखिरी निर्णय लेना है और इसे हम लोगों ने नवीं अनुसूची में भेजने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया। ये हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी अपने आरक्षण को लेकर नौवीं अनुसूची में अपने विधेयक को भेजने का काम कर रही है, जो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब ये सरकार दिल्ली में जाकर पूरी जनता राज की अपने इस अधिकार पर मोहर लगाने का गुहार करते रहेगी। सर, प्रधानमंत्री से मिलेंगे क्या इस मुद्दे को लेकर? हमने कहा अब दिल्ली में जाकर के अपने अधिकारों का आखिरी मोहर लगाने का प्रयास जारी करेंगे। अच्छा हेमंत जी, आपने कहा एक मुद्दा है तो आपका शुक्ला साफ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आपको लगता है? जो इनको लगता है कि जेल के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगाकर हमारे राजनीतिक वजूद खत्म करेंगे, हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने के इतिहास में कितनी बार जेल गए, आज उन्होंने
राज अलग बनाकर हमें दिया और आज हम लोगों ने इस राज को 1932 और ओबीसी का अधिकार दिया। और ऐसे आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं, लेकिन ये रोड़ा मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे ना हमारी छवि खराब हो सकती है, ना हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में, अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोगों का विधायक 52 की संख्या है, अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे, चिंता मत कीजिए। वो आएंगे तो बताएंगे और हम उनसे बात करेंगे।